औरंगाबाद रेस्ट हाउस में सेफ्टी टैंक यूनियन की ओर से स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा कार्यक्रम को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नरेश बाल्मीकि चूना भट्टी वाले को सेफ्टी टैंक यूनियन का प्रधान चुना गया। प्रधान नरेश बाल्मीकि ने बताया कि एडीसी साहब बलिंदर कटारिया सुप्रिटेंडेंट के सहयोग से औरंगाबाद रेस्ट हाउस में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ सेफ्टी टैंक वालों का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जल्द ही उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रशासन से हम थोड़े समय की मांग करते हैं और सभी सेफ्टी टैंक वालों का रजिस्ट्रेशन करवा कर सरकार की गाइडलाइन के तहत कार्य किया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र नाहपुर, बलजीत सांगीपुर, रमेश सांगीपुर, सेठपाल, रवि कुमार, जगराम सिंह जग्गा, शेर सिंह नाहपुर, रिंकू, जय सिंह, बिंद्र, बाबूराम आदि सदस्य मौजूद रहे। औरंगाबाद रेस्ट हाउस में एक मीटिंग रखी गई है सेफ्टी टैंक सर्विस के नाम से, ठीक है जी। और इसमें हमारे आज जो रेट तय किया है और जो मतलब कि 16 संगति से हम सब ने एक अपना प्रधान जी नियुक्त किया गया है नरेश वाल्मीकि जी, ठीक है जी। औरंगाबाद रेस्ट हाउस में यह मीटिंग रखी गई है। टैंकर यूनियन प्रधान जी, क्या डिसीजन रखे गए मीटिंग में आज? सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरी नमस्कार, राम राम। और आज ये जो मीटिंग हुई है इसमें अहम फैसला ये लिया गया है कि जितने हमारे सेफ्टी टैंक भाई हैं इनको हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कुछ को रजिस्ट्रेशन हो भी गया। प्रशासन और सरकार से मेरी हाथ जोड़कर अपील है भाई, जो बकाया टैंक है जिनके लाइसेंस नहीं हुए या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको हम धीरे धीरे सभी के रजिस्ट्रेशन करा देंगे। और जैसे हमारी आज मीटिंग है, मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया कि कुछ निर्धारित रेट लागू करे जाएंगे, वो जैसा होगा डिसीजन देख के अफसरों से मिलकर बातचीत करके इनको निर्धारित कर दिया जाएगा। नंबर एक बात हो रहा है कि जो आदमी गलत तरीके से सड़कों पे गलत तरीके से सेफ्टी टैंक या गंदगी या कूड़ा करकट जो भी डालता है और हमारे गलत भाई फंसते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लागू करने के डीसी साहब से इसके बारे में भी अपील की जाएगी। हो सकता है हम कल की मीटिंग डीसी साहब के साथ या डीसी साहब के साथ रखने की कोशिश करें अगर टाइम मिला तो। हाँ जी, ये कार्यक्रम भारत स्वच्छ अभियान के तहत रखा गया है और इसमें हमारे डीसी साहब और बलविंदर कटारिया जी का अहम भूमिका है जो हमारा साथ दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई उनसे मिलकर तय की जाएगी।